प्रकृति से मिले बेहद खूबसूरत फूल पिंक कनेर, रेड कनेर एंड वाइट कनेर। जी हाँ, जितने खूबसूरत ये फूल हैं इन्हें लगाना उतना ही आसान है। आज की इस वीडियो में हम इसको लगाने का बेहद आसान तरीका देखेंगे। सबसे पहले आप कनेर के बड़े पेड़ में से कुछ डंडियाँ काट लें, लगभग इतनी बड़ी। उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, यही कोई 10-12 इंच के, लगभग इतने बड़े। ध्यान रखें, अगर आपकी कलम में छोटे छोटे पत्ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पत्ती लगी हुई कलम हम लगाएंगे यानी कटिंग्स लगाएंगे तो वो जल्दी ग्रो होती है। जो बड़ी डॉल हमने ली थी उसको काट कर उसकी पत्तियां छांटी हमने और उसके बाद हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। और इस तरह हमारे पास ये 6-7 कटिंग हो जाएंगी। ये दो ही कटिंग तैयार करने के बाद अब हम इसे देखेंगे कि इसे किस तरह लगाया जाता है। पहले हम किसी पॉट में लकड़ी या किसी रॉड से इसमें जगह बनाएंगे कुछ इस तरह। उसके बाद हम इसमें तैयार की हुई कटिंग को लगा देंगे। आप चाहें तो इसे हल्दी के पानी में डुबो कर भी रख सकते हैं ताकि हमारी कलम ख़राब ना हो। उसके बाद कटिंग के आसपास की मिट्टी को हम थोड़ा दबा देंगे। ये मैंने हिबिस्कस की कटिंग्स भी लगाई थी सेम इसी प्रोसेस से। अब इसे ग्रो करने का हम एक और तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये है इसकी बीन्स यानी फल। इसके अंदर ढेर सारे बीज निकलते हैं। इसे हम तोड़कर सुखा लेंगे और इसके बीजों को भी सुखा लेंगे और उन बीजों को हम मिट्टी में दबा देंगे। कुछ दिनों में वो अंकुरित हो जाएंगे और उसे छोटा सा प्लांट तैयार हो जाएगा। वैसे तो कनेर की कटिंग को ग्रो करने का बहुत ही आसान और सरल तरीका है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बारिश का मौसम ना हो। विंटर के सीजन में इसकी कटिंग सबसे अच्छी लगती है। ज़्यादा बारिश की वजह से हमारी कटिंग्स ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।